नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 138 करोड़ रुपए तथा 77 सौगातों का किया शिलान्यास। वहीं जनपद के अधिकारियों के साथ बैठकर योजनाओं को परखा तथा जनपद की सभी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, यह सरकार की मंशा है तथा इस प्रकार जगह जगह अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा की जा रही है और सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त लोगों तक पहुंच सके। तथा उन्होंने यह भी कहा कि कहीं कहीं यह भी देखा गया है कि कर्मचारियों की गलती की वजह से पात्र लोग सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। जब वही किसी बड़े अधिकारी से गुहार लगाने की कोशिश करते हैं तो कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीणों को धमकी दी जाती है और अगर कई शिकायत करने की कोशिश की तो तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा तथा हमेशा के लिए सरकार की योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। उसी दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और कहा कि सरकार की मंशा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक समय से पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लोग उठा सके। तथा यह भी कहा कि जिले के अधिकारी अपने कार्य को सही निर्वहन करने तथा जनता के हित के लिए कार्य करने, अन्यथा सरकार के द्वारा वैधानिक कार्रवाई कर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तथा कहा कि जानकारी हुई है कि सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्ण तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जिन निगम में कर्मचारियों की वजह से पूरा प्रशासन बदनाम होता है। आइए देखते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की योजनाओं के बारे में और क्या कहा। बीसीएन न्यूज के लिए जनपद मैनपुरी से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। वैलेंटाइन डे को लेकर राजधानी में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सभी सार्वजनिक स्थानों, पार्कों में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल किया गया तैनात। पिंक मोबाइल टीम को किया गया अलर्ट। किसी भी संगठन द्वारा विरोध के मद्देनजर जोनवार अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। प्रेमी जोड़े की सुरक्षा के साथ सार्वजनिक स्थानों और पार्कों में अश्लीलता फैलाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। विरोध करने वाले तमाम संगठनों को पुलिस ने हद में रहने की दी चेतावनी। सभी भीड़भाड़ वाले स्थानों, मॉल, सिनेमा पार्कों, स्कूल के पास पुलिस कर्मियों के साथ महिला फोर्स तैनात। ऑफिस स्टाफ और जो पुलिस लाइन रिजर्व्स हैं वो सभी टीमें बना के जोन्स को बांटी गई हैं। जोनल रिजर्व्स बनाए गए हैं। जोन का जितना भी स्टाफ है मैक्सिमम लोगों को प्रेजेंट रहने के लिए कहा गया है। अब इसमें कई तरह की मोबाइल पार्टीज बना रही हैं, जो पॉलीगॉन्स हैं, पीआरबीज हैं और मोटरसाइकिल मोबाइल्स हैं, इनको अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करके बांटा गया है। इस वैलेंटाइन डे को देखते हुए ही पिंक मोबाइल्स और पिंक एसयूवीज का एक बहुत एग्जॉस्टिव प्लान बनाया गया है और उनके कई जगह पॉइंट्स ऐसे चिन्हित किए गए हैं कि सभी इम्पॉर्टेंट पार्क्स, सुबह मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग के जितने स्थान हैं उनको हम लोगों ने कवर किया। मार्केट प्लेसेस, मंदिर और जितने भी धर्म स्थल हैं उनको कवर किया हुआ है और स्कूलों के आसपास ऐसी सभी जगह, चाहे वो मॉल हो, सिनेमा हॉल हो, मल्टीप्लेक्स हो या मार्केट प्लेस हो, जहाँ भी लड़कियाँ जाती हैं या महिलाएँ जाती हैं उन जगहों पे कहीं ना कहीं किसी न किसी समय हमारी पिंक मोबाइल्स मौजूद रहेंगी ताकि वो अपनी समस्या, अपने बातों को आसानी से कह सकें। बीसीएन न्यूज के लिए लखनऊ से वशिष्ठ चौबे की रिपोर्ट। मिर्जापुर में एक बार फिर जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर उसकी जमीन का बैनामा कर लिया गया। मामला है अरोरा नगर पालिका परिषद के पट्टिकल मोहल्ला निवासी गुदरी चौहान पुत्र स्वर्गीय पांचू के दस्तावेज में मृतक दिखाकर उसके पाटीदारों ने ही जमीन का बैनामा कर लिया। यह कस्तानी किसी और की नहीं बल्कि अरोरा नगर पालिका के ब्रश बाबू की देन है। करीब 15 साल पहले बनाए गए नगर पालिका द्वारा प्रमाण पत्र में गुदरी चौहान को मृत घोषित कर दिया गया। अब गुदरी चौहान अपने को जीवित बताने के लिए दर दर भटक रहे हैं। मामले में अरोरा थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही नगर पालिका के ब्रश बाबू को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। थाने में दिए गए तहरीर में गुजरी ने अपनी भाभी श्यामा देवी पत्नी स्वर्गीय लल्लन पर आरोप लगाया है कि उसके हिस्से की संपत्ति हड़पने की नीयत से 22 दिसंबर 2000 को नगर पालिका परिषद से मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। नगर पालिका प्रशासन की आंख में तूल झोंकते हुए उसने सितंबर 2005 में पंजीकरण नगर पालिका में कराया। रजिस्ट्रेशन की 3 साल बाद यानी 16 सितंबर 2008 को मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका ने जारी कर दिया। गुदरी को जब इसकी जानकारी हुई तो उसके
पैरों तले की जमीन खिसक गई। अपनों के दगाबाजी से हैरान परेशान लगभग 75 वर्षीय गुदरी अपनों की खुद को जिंदा साबित करने के लिए जगह जगह चक्कर लगा रही है। गुदरी ने बताया कि इनका एक पुत्र भी है जो महाराष्ट्र में रहकर मजदूरी का काम करता है। वही गुदरी करीब 10 साल पहले से ही बाबा के भेष में भिक्षा मांग कर अपना भरण पोषण करती आ रही है। फिलहाल नगर पालिका परिषद के कर्मी बुजुर्ग का कागजात खंगालने में छुटे हुए हैं। गुदरी निवासी मतलब काला पट्टी का हमारी जमीन हड़पी थी, हम नहीं रहे मतलब कि अपने नाम करा ले। इसके पूर्व मिर्जापुर के रामपुर खोमर गांव निवासी भोला खुद को जीवित साबित करने के लिए वर्षों कानूनी लड़ाई लड़े। उनको अपनी जीवित होने के लिए न्यायालय को सबूत देना पड़ा था। मीडिया में खबर आने के बाद मामला तुल पकड़ा, तब जाकर भोला को न्याय मिल सका। भोला और गुदरी जैसे न जाने कितने लोग है जो खुद के जिंदा होने की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। कितने ऐसे है जिनका सब कुछ लुट चुका है। जानकारी के अभाव में कोर्ट कचहरी के दाव पेच में न फंसने की चाहत में सब कुछ गवा कर बैठे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट। कासगंज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज कासगंज में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू का जन्मदिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कासगंज नगर पालिका परिसर में महिला घेरा कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार गोष्ठी में चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव व सपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ने की। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि इस समय भाजपा सरकार में महिलाओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है। महिला स्वास्थ्य सेवाओं में कमी की वजह से प्रसूति सेवाओं में कमी और पोषण की समस्या भी पैदा हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षिका, आशा, आंगनबाड़ी और अन्य नौकरियों में वेतन विसंगति के साथ गरीब निराश्रित महिलाओं की पेंशन की भी समस्या है। आज सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरोजिनी नायडू का जन्मदिन मनाया है, जो पहली राज्यपाल देश में बनी थी, और आज महिला घेरा कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। और वो इसलिए आयोजित किया है कि महिलाओं के साथ बैंकों में ब्याज दर घटने से घरेलू बचत को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, महिलाओं की घरेलू अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। वहीं शिक्षा और राजनीति में भी महिलाओं की उपेक्षा चिंताजनक है। कार्यक्रम में सपा महिला कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा सरकार से मुक्ति का संकल्प भी लिया गया। वही कार्यक्रम के अंत में जनपद कासगंज के थाना सिरपुरा क्षेत्र में शहीद हुए सिपाही देवेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बीसीएन न्यूज के लिए कासगंज से फहीम अख्तर की रिपोर्ट। मथुरा कोतवाली के चौकी कृष्णानगर क्षेत्र के भूतेश्वर पर नाले में पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। व्यक्ति का नाले में शव मिलने से मचा हड़कंप। नाले में शव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस मामले की जांच में जुटी। हम बता दें कि मथुरा के चौकी कृष्णा नगर के भूतेश्वर पर शनिवार की सुबह उस समय लोगों का हुजूम लग गया जब एक व्यक्ति को नाले में लोगों ने पड़ा देखा। वहीं देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने नाले में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसे बाहर निकलवाया गया और जांच में कि व्यक्ति की रात्रि में नाले में गिर जाने से मृत्यु हो गई है। वही खबर लिख जाने तक व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि यह कहां का रहने वाला है। पुलिस सबूतों के आधार पर मृत व्यक्ति की जांच में जुट गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वही स्थानीय लोगों ने एवं पुलिस के अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति अधिक शराब के नशे में नाले में रात्रि को गिर गया है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। भूतेश्वर पर नाले में पड़ा मिले अज्ञात शव के बारे में पुलिस जांच में जुट गई है, जिसको लेकर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पहले भी इस नाले में रात्रि में कई लोग गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं, परंतु निगम द्वारा आसपास के खुले नालों को अभी तक ढका नहीं गया है। और वही कुछ लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते व्यक्ति की मृत्यु हुई है। नाले अगर ढके होते तो इस व्यक्ति की जान बच जाती। नगर निगम के प्रति लोगों ने अपना आक्रोश जताया। मामला ये हुआ था, एक रात को कोई शराबी था इसमें नाले में गिरा पड़ा मिला था। सुबह जब मैंने शटर खोली तो वो नाले में पड़ा हुआ था। मैंने पुलिस को सूचना दी थी,
सूचना के बाद पुलिस आई थी, पुलिस आने के बाद में डेड बॉडी को निकाल के ले गई, शायद पोस्टमार्टम के लिए। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।